इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तालिबान ने अफगानिस्तान को शिकंजे में ले लिया है और इसी के साथ तालिबान की कुर्ता की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। तालिबान लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाते, महिलाओं को बेइज्जत करते, अपने दुश्मनों को मारते पीटते धमकाते नजर आ रहे हैं और ये तब है जब तालिबानी प्रवक्ता ने ऐलान किया कि देश में सब सुरक्षित है, महिलाओं को काम पर जाने की आजादी है। कट्टर तालिबान अपना बदनाम चेहरा फिर से दुनिया को दिखा रहा है, लेकिन भारत में कुछ लोग तालिबान को सलाम मोहम्मद भेज रहे हैं। चार अफगान कमांडर्स को सरेआम फांसी, महिलाओं बच्चों पर बरसाए कोड़े, पत्रकारों की जबरदस्त पिटाई। अफगान सपोर्टर्स को सरेआम सजा, बीच सड़क पर विरोधियों की पिटाई, घरों में लूटपाट शुरू। जो तालिबान खुद को उदार साबित करने की कोशिश कर रहा था, जो तालिबान खुद को अफगानिस्तान का रहनुमा साबित करने की कोशिशों में जुटा था, उस तालिबान की असलियत दुनिया के सामने आनी शुरू हो गई है। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे से बर्बरता की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। चारों तरफ खौफ, हिंसा, जुल्म का ऐसा बोलबाला है कि आम अफगानी त्राही त्राही कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का सबसे क्रूर चेहरा कंधार स्टेडियम से सामने आया, जहां तालिबान आतंकियों ने अफगान सेना के चार कमांडर्स को सरेआम फांसी पर लटका दिया। ये वो कमांडर्स थे जो एक वक्त में कंधार के पुलिस चीफ रहे जनरल अब्दुल रजाक के करीबी थे। जनरल रजाक को एंटी तालिबान माना जाता था, लेकिन 3 साल पहले तालिबान ने उन्हें मार डाला। इसके बाद भी जनरल रजाक के कमांडर्स तालिबान से मोर्चा लेते रहे। कंधार के तख्तपुर जिले के चीफ हाशिम रेगवाल ने तालिबान के सामने सरेंडर किया, लेकिन कंधार स्टेडियम में उनको भी सूली से लटका दिया गया। एक दिन पहले तालिबान के प्रवक्ता ने कहा था कि अफगानिस्तान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलेगा, लेकिन तालिबान का यह वादा 24 घंटे भी नहीं टिका। तालिबान के खौफ से कांप रही महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा थी। बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि वो भले ही मर जाए, लेकिन किसी तरह अपने जिगर के टुकड़ों को तालिबान की पहुंच से दूर भेज दें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि तालिबान के लड़ाके वहां पहुंच गए। उन्होंने महिलाओं पर, उनके बच्चों पर कोड़े बरसाए, फिर हवा में अंधाधुंध फायरिंग की। तालिबान की एंट्री के बाद अफगानिस्तान में सड़क पर अदालत लग रही है और तालिबान के आतंकी मनमाने ढंग से लोगों को सजा दे रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों ने कुछ पत्रकारों को सरेआम इसलिए पीटा क्योंकि उन्हें शक था कि ये जर्नलिस्ट अमेरिका के मददगार रहे हैं। पहले इन लोगों को पकड़कर उनके हाथ पीछे बांधे गए, फिर उन्हें कोड़े मारे गए। जब उससे भी मन नहीं भरा तो इन पत्रकारों को जमीन पर गिराकर उनके चेहरे पर खड़े होकर उछलने लगे। इसके बाद सबके बाल काट दिए गए। बाद में तालिबानी इन पत्रकारों को पकड़ कर ले गए। अब ये कहां हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, किसी को नहीं मालूम। अब इस तस्वीर को देखिए, एक शख्स को ट्रक से बांधा गया है, उसके चेहरे पर कालिख पोती गई है, जूते मारे गए और पूरे इलाके में घुमाया गया। और ये सजा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि तालिबान को उस पर अमेरिका के मददगार होने का शक था। काबुल में कई लोगों को तालिबान ने हिरासत में ले लिया, उन्हें घुटनों के बल बैठाया, हाथ ऊपर करवाए और फिर जान से मारने की धमकी दी। कुछ लोगों को तो उनके घरों से बाहर निकालकर तालिबानी अपने साथ ले गए। एक एक शख्स को दर्जनों हथियारबंद तालिबानियों ने घेर लिया और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया, बंदूक से मारा। कुछ लोगों को बाजार में जमा करके पेट में लात मारी गई। परिवार की महिलाओं के संग बैठे कुछ लोगों को डंडे से पीटा गया। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। 2 दिन पहले अफगानिस्तान के शेवरगान प्रोविंस के बेगा इलाके के अम्यूजमेंट पार्क में तालिबानी मस्ती करते नजर आए थे। अब उसी पार्क को तालिबानी आतंकियों ने आग के हवाले कर दिया। तालिबान का कहना है कि इस्लाम में किसी भी तरह के स्टैचू या मूर्तियों को लगाने की इजाजत नहीं है, इसलिए बच्चों के लिए बने अम्यूजमेंट पार्क को जला दिया गया।
तालिबानी आतंकियों के लोगों के घरों में घुसने, लूटपाट करने, लोगों को सताने, डराने, धमकाने की तस्वीरें बड़े पैमाने पर आने लगी हैं। तालिबानी लड़ाके अपनी जिस मध्ययुगीन बर्बरता के लिए कुख्यात हैं, वो अपनी उसी छवि में लौट रहे हैं। तालिबान से अफगानिस्तान के लोग परेशान हैं। हिंदुस्तान में तालिबान नहीं है, लेकिन तालिबानी मानसिकता के लोगों ने यहाँ भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबानी हैवानियत की अभी आपने ढेरों तस्वीरें देखी, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद भी हिंदुस्तान के कुछ लोग तालिबानियों के लिए हमदर्दी जता रहे हैं, जो खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा स्कॉलर मानते हैं, वो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, और वो जो कह रहे हैं उन्हें सुनकर आपको शर्म आएगी। उसने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी, जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। सज्जाद नोमानी की तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरैन महफूज के भी ख्यालात हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, तालिबान के असाधारण कामयाबी से दुनिया हैरान है। भौतिकतावादी लोग ये नहीं समझते कि वो इतनी तेजी से कैसे सत्ता में आए। उनके लिए समझने की कोशिश करने का समय है कि सत्ता के फैसले जमीन पर नहीं ऊपर जन्नत में होते हैं। तालिबानियों के प्रशंसकों की लिस्ट में यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी हैं। उन्होंने तालिबानियों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की थी, जिसके बाद उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी तालिबान पर बेबाक बयान दिया। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तालिबान ने अपने मुल्क को आजाद करा लिया, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है, कट्टर और खूनी सोच रखने वालों की तारीफ हो रही है तो दिक्कत तो है, आतंकियों को अगर ग्लोरीफाई किया जा रहा है तो दिक्कत तो है। औरतों पर तालिबान की क्रूरता की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर काबुल एयरपोर्ट के बाहर की है, जहां पर महिलाएं तालिबान आतंकियों के जुल्म से बचने के लिए एयरपोर्ट के अंदर जाने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन वहां मौजूद तालिबानी आतंकी उन पर कूड़े बरसा रहे हैं। तालिबानी आतंकियों की इस क्रूरता का नतीजा है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। तालिबान के जुल्म से बचने के लिए लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं और इसी उम्मीद में वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें निराशा हाथ लग रही है, उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा। Clearly people have been waiting here for some time. Now they are. तालिबानी आतंकियों के इसी जुल्म से बचने के लिए कुछ महिलाओं ने हथियार उठा लिए हैं और ये वीडियो अफगानिस्तान में वायरल है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।